दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुबह खाली पेट अगर आप लहसुन की कली का हफ्ते में दो बार सेवन करते हैं तो क्या होगा। देखिए, आप क्या करते हैं कि डेली बेसिस पर रोजाना लहसुन की कली का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। आपको सही जानकारी नहीं होती है तो आप YouTube पर वीडियो देखने के बाद डेली बेसिस पे हल्के गुनगुने पानी के साथ या फिर खाली पेट ऐसे ही कच्चा चबा चबा कर लहसुन की कली का रोजाना सेवन करते हैं, हफ्ते में 7 दिन, जो कि बहुत ही घातक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन आज मैं आपको इसकी सही विधि क्या है, तरीका क्या है, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, वात पित्त और कफ प्रकृति के लोगों को किस किस तरह से सेवन करना चाहिए, सुबह किनको सेवन करना चाहिए और रात को सोते समय किन किन को सेवन करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको अंदरूनी ताकत से संबंधित खासकर पुरुषों में किसी भी प्रकार की कमजोरी रहती है, घर में अगर आपके किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, हार्ट ब्लॉकेज की दिक्कत अगर आपके घर में किसी को हो चुकी है, इसके अलावा अगर आपके घर में किसी को जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, आर्थराइटिस गठिया की समस्या रहती है, कमर में हाथ पैरों में दर्द होता है, दोस्तों इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो आपके घर में अगर किसी को हाई बीपी की समस्या रहती है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये सभी वात की बीमारियां होती हैं। इनमें लहसुन बहुत ही जबरदस्त औषधिक तौर पर काम करता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि डेली बेसिस पर रोजाना इसका सेवन शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर आप दवाई को दवाई की तरह, औषधि की तरह, मेडिसिन की तरह प्रयोग करेंगे तभी वो असर करेगी। अगर आप दवाई को खाने की तरह सुबह शाम डेली बेसिस पर खाए जा रहे हैं तो वो उल्टा नुकसान करती है। हफ्ते में एक दिन छोड़कर अगर हो सके तो हफ्ते में 3 दिन ही सेवन करें, नहीं तो मैक्सिमम 4 दिन सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ। जिनको वात प्रकृति रहती है, जैसा कि मैंने आपको वात के रोग बताए, उनमें आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ लहसुन की 1 से 2 कलियों को चबा चबा कर 15 से 20 मिनट तक समय लगाना है। आपको हल्के गुनगुने पानी का 1-1 घूंट पीना है, साथ ही लहसुन की कली को चबा चबा के खाना है। ऐसा करने से वात के जितने भी रोग हैं पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाते हैं। खासकर अगर आपको गठिया यानी कि अर्थराइटिस का जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो सुबह उठ के आप दूध के बीच में लहसुन को पका करके 1 से 2 लहसुन की कलियों को दूध में पका कर आपको सुबह खाली पेट सेवन करना है। चलिए अब जानते हैं इसके अगले बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपके रक्त में अम्लता बढ़ गई है यानी एसिडिटी की मात्रा बढ़ती है, इसी के कारण आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में खून में बढ़ता है तभी आपके हार्ट ब्लॉकेज होते हैं। अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपके ब्लड के अंदर बढ़ता है तो तभी आपको हाई बीपी की समस्या होती है। तो इन सभी से संबंधित बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए लहसुन के साथ में अगर आप अर्जुन की छाल को लें, देखिए अर्जुन की छाल आपको काफी आसानी से 20 से 30 रुपए किलो मार्केट में मिल जाता है। आधे चम्मच की मात्रा में आपको अर्जुन की छाल लेनी है, 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी, उसके बीच में आपको अर्जुन की छाल डाल देनी है। साथ में दोस्तों 1 से 2 कली लहसुन को चबा चबा कर हफ्ते में 3 से 4 दिन या 1-1 दिन का गैप देकर आपको सुबह खाली पेट ये औषधि सेवन करनी है। हार्ट ब्लॉकेज के लिए दोस्तों अर्जुन की छाल से ज्यादा कोई भी अच्छी औषधि नहीं होती है। साथ में अगर आप चाहें तो आधे से 1 घंटे के बाद लौकी के जूस का भी सेवन कर सकते हैं, जो कि लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खत्म करने के लिए। साथ ही 95% अगर आपके हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है उसको भी ये धीरे धीरे करके जड़ से खत्म कर देता है, साथ में हार्ट अटैक नहीं आने देता है। चलिए बात करते हैं अगले फायदे के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लहसुन का नियमित रूप से हफ्ते में 3 से 4 बार यानी 1-1 दिन छोड़ के 1 से 2 कली सुबह चबा चबा कर सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका अच्छा होगा तो 99% बीमारियां आपको नहीं होने वाली। इसके अलावा दोस्तों आपको ये वायरल अटैक से, बैक्टीरियल अटैक से, फंगल अटैक से भी बचाने में काफी मदद करता है।